पब्लिक और यूजर्स कहते रह गए क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, आरबीआई कहता रहा निप्टो निप्टो निप्टो, और फाइनली गवर्नमेंट ने 2019 में डिसाइड कर लिया कि हमें क्रिप्टो करेंसी से निपटना है। 2019 में ही गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल बना दिया था इसे डिस्कस करने के लिए, और उस कमेटी की का ये व्यू था कि इस जो जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको बैन कर दिया जाए, रोक दिया जाए। क्यों? क्रिप्टो करेंसी में ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट इसे अलाउ नहीं करने देना चाहती या उसे बैन कर देना चाहती है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एनानिमस होते हैं, एनानिमिटी होती है। एनानिमिटी का मतलब यह है कि पता नहीं लगाया जा सकता कि ये सोर्स किससे हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो सबसे जो बड़ा इसमें डर है वो ये है कि टेरर फिनेंस हो सकता है और हवाला हो सकता है, इसके थ्रू पैसे का मिसयूज हो सकता है जिसका सोर्स गवर्नमेंट पता ना लगा पाए। तो ये सब एक हमारा आरबीआई हमेशा कहता रहा कि एक हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे, फाइनेंशियल सिस्टम पे एक थ्रेट है क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया जाना और इसे बैन कर देना चाहिए। कमेटीज का व्यू था कि हाँ, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उन्हें बैन कर देना चाहिए। क्यों? अब वहीं जहां पर बिटकॉइन 50 लाख से ऊपर एक समय में ट्रेड करने लगा था, एक ऐसी हवा जो किसी खास टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसकी अंडरलेइंग वैल्यू कुछ भी नहीं है। देखिए, अंडरलेइंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर हम सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड इतना महंगा क्यों है? गोल्ड इतना महंगा इसलिए कि उसकी उसकी एक अंडरलेइंग वैल्यू है, यानी कि जब वो एसेट क्लास में रखा गया तो उसकी खुद की एक वैल्यू है, और वो वैल्यू कहाँ से आती है? वो वैल्यू उसकी चमक की वजह से आती है। आप उसे बाई करते हो, पहनते हो, तमाम सारे ज्वेलरी उसकी बनती है, इस वजह से उसमें उसकी वैल्यू आती है और लोगों में बेतहाशा डिमांड है गोल्ड को लेकर के। तो गोल्ड को एक एसेट के जैसे ट्रीट किया गया, और जब गोल्ड को एसेट के जैसे ट्रीट किया गया तो गोल्ड की जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो उस खुद से ही जनरेट होती है। लेकिन क्रिप्टो की वैल्यू कहाँ से आती है? क्रिप्टो की वैल्यू आती है डिमांड की वजह से या यूटिलिटी की वजह से। अगर एक ऐसी करेंसी है जिसमें यूटिलिटी है और लोगों के बीच उसकी डिमांड है, तो फिर वहां पर वो क्रिप्टो करेंसी लोगों के बीच में ट्रेड शुरू होती है और उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। लोग उसे उसमें ट्रेड भी करना कम करते हैं, उसे होल्ड करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो और एसेट होने की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब अगर क्रिप्टो करेंसीज को, जो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 के आसपास होंगी मुझे ऐसा लगता है, तो अगर क्रिप्टो करेंसीज को खुला छोड़ दिया गया तो ये सीधा फाइनेंशियल सिस्टम पर एक थ्रेट के जैसा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेट करने का मन बना लिया है पूरी तरह से। जो बिल इस विंटर सेशन में आने वाला है वो शायद सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगा। बहुत सारे लोगों को ये बिल अफेक्ट करने वाला है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बिल अफेक्ट करने वाला है जिन्होंने छोटा मोटा पैसा क्रिप्टो में लगा रखा है, तमाम सारे मेमे टोकन्स में लगा रखा है, वो आज अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट सेल कर देना चाहते हैं। आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी के का जो मार्केट है वो पूरी तरह से गिरा हुआ है और सारे सारी करेंसीज गिरती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी करेंसीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करने वाली है, लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें बैन कर दी। रेगुलेट किया कैसे जाएगा? रेगुलेट इस तरह से कुछ किया जाएगा, जो मेरा अपना व्यू कहता है, जो जो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे इसे रेगुलेट किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना कॉइन लेकर के आएगी, जो हो सकता है आरबीआई अपने उस पर लॉन्च करे, एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन लॉन्च करे। इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू होगी क्या? क्या स्टैटिक होगी? मुझे ऐसा लगता है कि इस क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन आएगा इसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर होगी, यानी कि एक कॉइन 1 रुपए का होगा। अब शायद गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ये बात पूरी पूरी सही नहीं भी हो सकती है, लेकिन शायद गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि जब भी आप क्रिप्टो बाजार में निवेश करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वो गवर्नमेंट का कॉइन खरीदना होगा। सपोज करें कि आपको 1 लाख रुपए का कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी बाई करना है जो अलाउड है, जिसे आप बाई कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट वो क्रिप्टो करेंसी नहीं बाई कर सकते। सबसे पहले आपको वो गवर्नमेंट वाला जो क्वाइन है वो बाई करना पड़ेगा 1 लाख, और उस क्वाइन को एक्सचेंज कर सकते हो आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ जो अलाउड एक्सचेंजेस पे, जिसे आप बाई कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि ये जो रेगुलेशन वाली प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि हमारे क्वाइन को इस्तेमाल करके कौन सा क्वाइन आपने खरीदा है। तो गवर्नमेंट के लिए इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। पैनिक है, सभी लोग बेच रहे हैं, सभी लोग सेल करने पे लगे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी रुकना चाहिए, अभी सेल नहीं करनी चाहिए। हालांकि आपका व्यू
मेरे व्यू से अलग हो सकता है और आप अपना व्यू मानने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने से आप अपना ट्रेड बदलें या उसको लगाएं, लेकिन फिर भी ठहरिए और सोच के देखिए कि अभी बिल पास, बिल प्रेजेंट होने में, पास होने में वक्त है। तो मुझे लगता है कि वो टाइम का हमें वेट करना चाहिए और तब तक ये मार्केट आज तो पैनिक सेलिंग की वजह से गिर रही है, ये वैल्यूज फिर से ऊपर चढ़ेंगी, तो आप सेफ प्राइस पर भी एग्जिट कर सकते हो। और मैं यही कहूंगा कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज का देखें कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाने वाली है और किस तरह से इसे रेगुलेट करेगी, तो वहां से तय होगा कि अब हमें रखना है कोई क्वाइन या सेल करना है, और आपको एग्जिट रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, तो आपको एग्जिट रूट भी मिलेगा। तो अभी जो मुझे लगता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उसे होल्ड किया है, तो पॉलिसीज के आने का वेट करें, इस बिल के आने का वेट करें। इस बिल पे भी डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, ये बिल एज इट इज पास हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इस पर भी डिस्कशन होगी, हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ पास हो और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। जब गवर्नमेंट इसे रेगुलेट कर देगी, जब रेगुलेशन शुरू हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसीज है उनके प्राइस भी बढ़ेंगे, तो आपको उनका फायदा भी मिल सकता है। तो अभी बिल्कुल पैनिक ना करें और एक वॉच रखें कि क्या होने वाला है। और मैं भी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे ये बताने की कोशिश करता रहूंगा कि वास्तव में अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो देखना ना भूलें।